कश्मीर में सुरक्षा के नाम पर 30 साल में खर्च हो गए 10,000 करोड़ रुपए। धरती के स्वर्ग कश्मीर में फैला पाक समर्थक आतंकवाद दिनों दिन भारतीय सरकार के लिए महंगा साबित हो रहा है। प्रतिदिन इस मद पर होने वाले खर्चों में बेतहाशा होती वृद्धि ने सुरक्षा संबंधी खर्चों को 400 करोड़ प्रति वर्ष के आंकड़े तक पहुंचा दिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पिछले 30 सालों में सुरक्षा के मद पर केंद्र ने कश्मीर को 10,000 करोड़ रुपयों का भुगतान किया है, जिसमें सुरक्षा कर्मियों के वेतन, गोला बारूद आदि का खर्चा अभी तक शामिल नहीं किया गया है। आतंकवाद की शुरुआत में इससे निपटने के लिए होने वाला सुरक्षा संबंधी खर्चा 100 करोड़ के आंकड़े तक ही सीमित था, लेकिन जैसे जैसे आतंकवाद का दायरा बढ़ा, लोगों ने पलायन करना आरंभ किया तथा राजनीतिज्ञों को असुरक्षा की भावना महसूस हुई, खर्चा सुरक्षा के मुख की भांति बढ़ता चला गया। यह भी एक चौंकाने वाला तथ्य हो सकता है कि कुछ साल पूर्व तक राज्य सरकार सुरक्षा संबंधी मद पर प्रति वर्ष 253 करोड़ की राशि खर्च करती रहती थी, लेकिन अब उसका अनुमान इस पर 500 करोड़ का खर्चा होने का है। फिलहाल सरकार यह स्पष्ट करने को तैयार नहीं है कि क्या आतंकवाद तेजी से बढ़ा है तभी यह खर्चा अनुमानित किया जा रहा है, या फिर आने वाले दिनों में आतंकवाद के और बढ़ने की आशंका है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जो खर्चा राज्य सरकार द्वारा आतंकवाद से निपटने के लिए सुरक्षा मद पर किया जा रहा है, उसका रोचक पहलू यह है कि उसमें सुरक्षा कर्मियों का वेतन तथा उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले गोला बारूद की कीमत शामिल नहीं है, बल्कि यह खर्चा सुरक्षा उपलब्ध करवाने, सुरक्षा बलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने तथा राहत राशि आवंटित करने के मद पर ही खर्च हो रहा है। अगर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से निपटने के लिए तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों के वेतनों तथा गोला बारूद पर होने वाले अन्य सभी खर्चों को भी जोड़ लिया जाए तो जम्मू कश्मीर में फैला आतंकवाद हजारों करोड़ की राशि प्रति वर्ष डकार रहा है। जी दोस्तों, आतंकवाद बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए, क्योंकि खर्चा जो ये दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम सभी की जेब से जाता है, तो जम्मू कश्मीर में काफी खर्चा हो रहा है। इसको देखते हुए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई कि आपको पता होना चाहिए कि देश में खर्चा किस जगह हो रहा है, जो टैक्स आपसे लिया जाता है, जो पैसा टैक्स के नाम पर, वो कहाँ खर्च हो रहा है, कैसे रूप में खर्च हो रहा है, किस लिए वो ज्यादा खर्च हो रहा है।